दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय इम्फाल में हूँ और इम्फाल के ऑफिसर्स कॉलोनी में हूँ। और यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ, इसके एक तरफ ऑफिसर्स कॉलोनी है जिसमें कि रिटायर्ड अफसर और मौजूदा अफसर भी रहते हैं। देखिए जो दीवार है इसके उस तरफ जो है ये ऑफिसर रहते हैं। इसमें हमको दिखाया गया कि सेक्रेटरी भी मौजूदा चीफ सेक्रेटरी यहीं हैं, उनके नेक्सी है। इसके अलावा जो है रिटायर्ड ऑफिसर यहाँ रह रहे हैं। और इसी के बगल में रोड के इस तरफ जस्ट दूसरी तरफ आप देखिएगा, ये जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दो तल्ला तीन तल्ला और पूरा एक हाई क्लास को रिप्रेजेंट करती हुई दिखेंगी आपको, ये है। और इसमें बताया जा रहा है कि ज़्यादातर रिटायर्ड ऑफिसर आते हैं। और मुझे बताया गया कि एक्स डीजीपी का भी मकान इसी में है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मकान है, लेकिन उसके दरवाजे शीशे टूटे हुए हैं। ये दरअसल कुकी जो अफसर हैं उनका मकान है और इस पर हमला किया गया था। बताया जा रहा है 4 तारीख को ये हमला हुआ था और उसके बाद से ये लोग जो है यहाँ छोड़कर चले गए। पूरा इलाका बताया जा रहा है, पूरे इलाके में करीब जो है 2000 कुकी रहते थे और इस समय जो है वो सारे लोग यहाँ से छोड़कर चले गए हैं और इस समय जो है यहाँ मौजूद नहीं है। जब पूछा गया कहाँ गए होंगे तो उन लोगों का कहना था कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि लोग गुवाहाटी गए होंगे या जो है मिजोरम गए होंगे या अपने जो है ट्राइबल्स इलाके में पुराने घर गए होंगे, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। अब आइए आपको देखिए शेखर, इधर बगल वाले मकान पर फोकस करिए। ये देखिए जो है पूरी बिल्डिंग, उसके जो शीशे हैं कांच हैं वो पूरा जो है टूटा हुआ है और पहले तल्ला से लेकर दूसरे तल्ला और तीसरे तल्ला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर सब के शीशे टूटे हुए हैं। ये बाहर से हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि यहाँ जो है, मैं जब बोल रहा हूँ कि 2000 लोग रहते हैं, ये ज़्यादातर ये न्यू चकोन इलाका बोला जाता है और न्यू चकोन जो है इसमें कुकी रहते हैं ज़्यादातर, 2000 करीब कुकी थे, लेकिन इसमें कोई मौजूद नहीं है। एक इलाका है इसी में जहाँ भी हम आपको ले चलेंगे, वहाँ बताया जा रहा है कि 25-50 कुकी रह रहे होंगे और गार्डेड उसमें हैं वो, और बंकरों के बीच जो है वो जो है छुपे बंकर सामने लगा हुआ है और वहाँ लगातार सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती रहती है और उनके बीच जो है वो जीवन गुजार रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ चीज़ें मिलती है तो वहाँ से आपको पहुँचाएँगे। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ हमको बताया गया कि ये जो ट्राइबल्स हैं, चूँकि उनका रिजर्वेशन है एसटी वाला, तो सिविल सर्विसेज में उनकी जो अच्छी खासी तादाद है। यहाँ जो मैतियों के मुकाबले जो ट्राइबल्स हैं वो जो है ज़्यादा संख्या में हैं सिविल सर्विसेज में, और इसीलिए अफसर रैंक पर जो है कुकी ज़्यादा मौजूद हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। और इसीलिए जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो लगातार दिखेंगे आपको। और यहाँ के जो डीजीपी थे, मौजूदा डीजीपी, वो भी कुकी थे और बताया जा रहा है वो जो है खुद छोड़ दिए थे, क्योंकि जिस तरह के हालात थे उसमें पूरा कुकी और मैतेई के बीच बट गया था और लोग जो है अपने समुदाय के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक अफसर और पुलिस भी अपने समुदाय के साथ होती थी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी ख़राब हो गई थी, तो लिहाजा उनको छोड़ना पड़ा और अब वो पद दूसरा डीजीपी वहाँ नियुक्त हुआ था। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का ये संकट है। तो आप एक बार फिर हम चाहेंगे शेखर दिखाइए पूरी कॉलोनी जो आप देखिएगा, तो अफसरों की कॉलोनी आपको दूर से लग जाएगी। आमतौर पर यहाँ जो मकान होते हैं वो टीन के होते हैं या इसी तरह से जो बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ देखिए पक्के मकान है, वेल फर्निश्ड मकान है और आधुनिक किस्म के हैं, जो यहाँ के एलीट उसमें शुमार किए जाएंगे उस तरह के हैं। तो आप देखिए पूरा जो है पूरी सारी बिल्डिंग्स एक के बाद एक अफसरों की है और इसी में लोग रहते थे और इनको अब छोड़ना पड़ा है। हालात ये हैं कि इम्फाल के अंदर चंद कुकी बचे हैं गिनती के, और वो भी जो है सुरक्षा बलों के साए में उनको रहना पड़ रहा है। बाकी सारे कुकी यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं। अगर एक्स डीजीपी चले गए हैं और अफसरान चले गए तो समझा सकता है कि मामला कितना गंभीर है और कितना संकटग्रस्त है। बहरहाल हम चलते हैं किसी और इलाके में, देखते हैं अभी अगला जो जो वहाँ कुकी जो रहते हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह से उनको मुहैया कराई जा रही है। जनचौक के लिए इम्फाल से मैं महेंद्र मिश्र।